गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेजी क्लास। सो बच्चों कैसे हो आप सर? बढ़िया। ओके, सो नाउ स्टार्ट योर क्लास। विच डे इज टूडे? टूडे इज ट्यूजडे एंड विच डेट इज 15 दिसंबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। थीम 6, ठीक है? क्या है ये आपकी थीम 6 है। सभी बच्चे ओपन करेंगे शेप्स अराउंड मी। ये देखिए शेप्स अराउंड मी, आस पास के आकार। तो चलिए डे 3 एंड डे 4। तो डे 3 में है बच्चों, पेज नंबर है 4। ओपन करेंगे सभी बच्चे पेज नंबर 4, डे 3। डे 3 में है आपका एडिशन। एडिशन क्या होता है? जोड़ना। ये देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 6, नीचे है 3 और ये एडिशन का साइन है। तो हम लोग को इसको कैसे ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 और नीचे कौन सा नंबर है, 3। 1 2 3 अब इसे ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आ जाएगा आंसर? 9। तो इस तरह से ये देखिए आप सबको भी क्या करना है, एडिशन कंप्लीट करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ शेप्स अराउंड अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर, एड ऑल द शेप्स टुगेदर एंड राइट द नंबर इन द स्क्वायर। ये देखिए जो स्क्वायर दिया हुआ है, अब जैसे ये 6 बना हुआ है तो आपको क्या करना है, 6 कुछ भी आप 6 ड्रॉ कर सकते हो, जैसे 6 फ्लावर या 6 सर्कल, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है और फिर इसको ऐड करके इसका आंसर लिखना है, ठीक। चलिए फिर है डे 3 में है आपका साइट वर्ड टू माई। ये देखिए क्या है साइट वर्ड टू माई, इसको आपको राइट करना है, लिखना है। फिर है आपका कनेक्ट देम, तो इस तरह से ये देखिए ये टी वाई और एम ओ, ठीक है? तो ये टू टी ओ को ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और एम वाई को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे कलर डेम, इसको आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है? चलिए टर्न करिए पेज, पेज नंबर है 6। सभी बच्चे पेज नंबर 6 ओपन करेंगे। पेज नंबर 6 में भी आपका एडिशन दिया हुआ है, जैसा कि अभी मैंने बताया है, ऐड करना है आपको। और इस तरह से जैसे यहाँ पे ये जो आपका बना हुआ है शेप, आपको इसमें ये ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका 11, सेकंड नीचे दिया है 2, तो 11 में आपको 2 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13। क्या आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13। और आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे 11 आपने कुछ भी ड्रॉ कर दिया और फिर नीचे 2 आपने कुछ भी ड्रॉ करना है, ठीक। इस तरह से सारे नंबर को आपको इस तरह यहाँ पिक्चर ड्रॉ करनी है और फिर इसको ऐड करके इसका आंसर लिखना है। तो ये था आपका डे 3 एंड डे 4। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में क्लियर आ गया होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डे 4 फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।